सीतापुर वाले रोड पे हम लोग आ चुके हैं। लखनऊ सीता रोड खाली आलू है, आलू अब दिख रहा है बस। नहीं ऐसा बात ना, देखिए इधर तो सब आलू ये दिख रहा है। लखीमपुर सीतापुर लखनऊ धौर आ रहा है। होलसेल मंडी है सब्जी की। आपका भी जरूरी है। सीतापुर रोड का टोल है ना ये। अब ठीक है, भीड़ कम मिलेगा। वो सब मार्केट थे, अब टोल शुरू हो गया, अब इसमें उतनी भीड़ नहीं है। वो भीड़ छोड़ दे, सीतापुर रोड पे रुके हुए हैं और यहाँ पे बाटी और चोखा मिल गया रास्ते में, तो उसका टेस्ट लेते हैं कि इधर का बाटी और चोखा कैसा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए, आपको भी दिखाते हैं।
क्या उस पर गिरा लियो, पानी गिराया हो क्या पेंट पे? कट हो गया ये देखिए, बाटी चोखा काफी टेस्टी लग रहा है देखने में। रोड भी अच्छा और देखिए साइड साइड जो है पेड़ भी एकदम हरे भरे। तो फोरा लेना ना, जरा बोला उससे अच्छा है ये। देखिए और पेड़ कितने हैं अगल बगल। हाँ वहाँ तो जितना पेड़वा खाते एकदम पति छोड़ ले, यहाँ तो दो लट्ठा कर पेड़ दो लट्ठा तेल बकाल जब तीन फुटी हुई तब तेल अभी छः फुटी है, तीन फुटी और आ जाए जब तीन फुटी बची तब तेल कराए। लखनऊ सीतापुर रोड काफ़ी अच्छा है, सफाई भी हो रही है। अगर हेत रोड हुई तो बहुत जल्दी है, करीब आधी घंटा सवा घंटा में, अरे आधी ना हो सवा घंटा घंटा बहुत जल्दी है। तो रोड तो बरेली तक ऐसे मिलेगा ही। तो हम लोग सीतापुर से आगे हो चुके हैं ना, अब बरेली वाले पे नेशनल हाईवे दिखा, हाईवे है कोई समझ में नहीं। बरेली यहाँ से कितना दिखा रहा था, 168। किलोमीटर बरेली है। मक्खन रोड है भी, अरे भाई मक्खन रोड पे ये आ गए उल्टा साइड से। अरे भाई मक्खन रोड से फिर डाइवर्जन हो गया सिंगल। अच्छा उधर आगे से होगा फिर। अजन के सुबेरे एक जूता तो रखे के रहे सुबेरे के को आई ना तब कने झोला मिले के गेस्ट रूम में रखे। अरे भाई इधर से ये बैठक का बुला रही ना, चलो जा तो रहा है रास्ता तो मुड़ ले नहीं, चलिए आगे से नहीं होगा, जा रहा हूँ हो सकता है ना हो। डाइवर्जन वगैरह दिखाओ नहीं है अभी। हाँ सिंगल है होगा, आगे हो हमारे रूट पे आगे हो।
बरेली अभी यहाँ से 158 किलोमीटर, शाहजहाँपुर 80 किलोमीटर, सीतापुर 3 किलोमीटर दाएं मुड़ना है। सीतापुर नहीं अभी हम बिता है। नहीं नहीं यहाँ से घूमना है जिसको जाना है का सीतापुर जाएगा ठीक है। काफी अच्छा हो रहा है, चल रही कोई दिक्कत नहीं। ये तो लगता है ओवरलोड है, एकदम लेट चल रहा है ट्रक वाला। लिखा एकदम ओवरलोड लिखा है छोटू। ढाई घंटा लगना चाहिए, 2 घंटा। आसान तो कुछ न खेल को सब्जी बनाई काफी अच्छा है इधर। मोबाइल होल्डर लेकिन अपने हिसाब से करना, होल्डर तो अलग होते हैं, लगवाई यही है। ये सीतापुर और बरेली के बीच वाला टोल टैक्स वाला प्लाजा है। तिलोन को अर्दी हो दिया ले लो गुड लड़की डली को ना चेक कर इसमें देखो बंदर, देखो ये छोटू जो कितने बंदर रोड पे एक साथ जा रहे हैं। अरे बहुत बंदर जाके छोड़ गया लो इधर रह लो, आज तो दाना ना बची। अरे वो कितने बंदर हैं, पूरी उसकी बारात आई है। आज देखो छोटका छोटक किया था मारपोच उठा के, वो कुदरत है। आज देखो यार दुष्ट है, आज जवाब चेहरा थे ठोला अब ऊपर माई पाई दुष्ट है, पर माई पार पार जंगल में छोड़ी सकला और कहीं छोड़वा लोग लगे बोलो लोग एक मनी है ही कोल ही पहुंचे गावे ले कोल कहीं वहां कुछ मिलता ना आया सीजन है या ना आया मुरी देगा छोड़ दिया ही लालोगा पूरा जंगल वहां भी ये जंगल है इस जगह पर हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं।
लेते जाओ जो अपन ही लगाओ लेके फिर ताक दे देना अपने लेके पड़ता है छोटे छोटे पड़ेगा हाँ ले लो ग्रेवी ले लो खाओ तुम्हें उंगली है खाओ खाना वाना खा लिया है 5 मिनट में ऐसे निकलने वाले हैं सर। ये बरेली बाईपास है सर। इस गर्म आकाश झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में फेमस है क्या काम का बरेली बाजार का ना फेमस है बीस मिनट लगेगा हम लोग को क्रॉस करने में अभी कम से कम हाँ बाईपास क्रॉस करने में कम से कम 20 मिनट बहुत तेज हम लोग खाते रहे लोग बोलो ब्लैक वन ना कुछ बोल दो नहीं अंकल अभी तो बोले मुझे ब्लॉग बनाइए बोलो हम लोग नैनीताल जा रहे हैं हल्द्वानी रोड पे आ चुके हैं अब कुछ देर में हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं उसके बाद नैनीताल की पहाड़ियों में प्रवेश कर जाएंगे हम लोग हाँ मैगी खाया जाएगा फिर चाय पिया जाएगा ठीक ब्लॉग बन गया बढ़िया 35 सेकंड का ठीक अब यहाँ से हल्द्वानी कितना था 36 और नैनीताल 68 किलोमीटर शॉप अच्छे अच्छे हैं गुरुजी
मैं पहली बार पहाड़ी शुरू हो गया। दर्शन हो गए बढ़िया से। Thank you.